नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके प्रीवियस ईयर MCQ सीरीज़ का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 10वां पार्ट। 9 पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि 270 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप जाके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 271, रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? तो चमोली जिले में स्थित है रूपकुंड ताल। तो 271 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 272 है, लटभरवा भोज की व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये व्यवस्था जो है ये थारू जनजाति में पाई जाती है। तो 272 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 273 है, हाथी पर्वत उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है चमोली, बी है पिथौरागढ़, सी है उत्तरकाशी और डी है यहाँ पे बागेश्वर। तो 273 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चमोली जिले में स्थित है हाथी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 274 है, दून घाटी को जाना जाता है? तो दून घाटी को जाना जाता है देहरादून के ही नाम से। 274 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल जिले में। 275 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 276 है, निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की फैट हेतु उपयुक्त है? तो 276 का राइट आंसर है, इस मृदा या मिट्टी का नाम है तराई मिट्टी। ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 276 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 277 है, हिमालय पर्वत माला उदाहरण है? तो 277 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये उदाहरण है एक वलित पर्वतमाला का। क्वेश्चन नंबर 278 है, चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था? तो ये सम्मिलित किया गया था यहाँ पे 13 मई 1972 ईस्वी को। तो 278 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 279 है, कुमाऊं और गढ़वाल दो पक्षक जिले कब बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे सन 1839 ईस्वी को। 279 का राइट आंसर भी है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 280 है, देवप्रयाग में भागीरथी नदी किस नदी में मिलती है? तो यहाँ देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा नदी से। तो 280 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 281 है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता कौन था? तो यहाँ पे था राजा सोमचंद। 281 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 282 है, आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने श्रीनगर से हटाकर स्थापित की थी टिहरी जिले में। 282 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 283 है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो वो जिला है यहाँ पर चंपावत। 283 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया था? तो ये किया था 27 अप्रैल 1815 ईस्वी को। 284 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 285 है, उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? तो 285 का ऑप्शन ए है अल्पाइन वन, बी है उष्ण सताभार, सी है शीतोष्ण पतझर और डी है कोणधारी। तो 285 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उष्ण सदाबहार जो है उत्तराखंड में कोई भी ये वन का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 286 है, रमान लोक परंपरा संबंधित है? तो 286 का राइट आंसर है, ये संबंधित है सलूड डुंगरा से। क्वेश्चन नंबर 287 है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1962 ईस्वी को। 287 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 288 है,
सतोपंत हिमनद उद्गम स्थल है, तो इसका उद्गम स्थल है यहाँ पे 288 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अलकनंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289, प्रसिद्ध मायावती आश्रम किस जनपद में स्थित है, तो ये स्थित है चंपावत जनपद में स्थित है प्रसिद्ध मायावती आश्रम, तो 289 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 290 है, यहाँ पर रामायण के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन सी है इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, 290 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको जड़धारी क्लासेस के कोई भी नोट्स लेने हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जड़धारी क्लासेस के कोई भी नोट्स ले सकते हैं और कोई भी ईबुक आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 फरवरी 1960 ईस्वी को, 291 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 292 है उत्तराखंड में कांचुला खरक है, तो उत्तराखंड में कांचुला खरक एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र है, तो 292 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 293 है पिथौरागढ़ जिले में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, 293 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 294 है कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था, तो ये था गार्डनर, 294 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 295 है उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य है, तो ये है चमोली जिले में, 295 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख स्थित है कालसी में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 297 है उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1979 ईस्वी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 298 है प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ, तो ये हुआ अल्मोड़ा जिले में, 298 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 299 है उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खासिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी, तो उस चंद राजा का नाम है बालो कल्याण चंद, 299 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक थे, तो ये थे श्री महंत इंद्रेश चरण दास, तो क्वेश्चन नंबर 300 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।